गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, सुबह के बज गए हैं 8 और धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ निकल गई है। और कल का जो मौसम होगा उत्तराखंड का, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक मौसम था। इतने ज़्यादा नुकसान हुआ, इतने ज़्यादा पेड़ गिरे हैं कल, और लाइट्स कल से नहीं हैं और शायद आज भी मुश्किल से आएगी। और इतनी आंधी थी, इतना डर लग रहा था, मतलब सोचो कि अगर पेड़ गिरे तो कितनी भयानक आंधी आई होगी। फिर हस्बैंड भी पूरा भीग के पहुँचे थे क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा कल मौसम मतलब बेकार था। और अभी भी हवा चल रही है, पर अभी ठंडी हवा भी थोड़ी देर में गर्मी पड़ जाएगी क्योंकि गर्मी अभी से होने शुरू हो गई है, तो गर्मी आज भी कुछ कम नहीं होने वाली है। सो अभी तक्षक को मैं दूध पिलाने जा रही हूँ क्योंकि सुबह ही तक्षक को 7 बजे दे देती थी, गाय का दूध पीता है। अब मैं जाती हूँ तक्षक को दूध पिलाने क्योंकि वो किसी के हाथ से पीता नहीं है, तो मैं ही पिलाऊँगी उसको। बज गए हैं 5:30 और अभी आपको जैसे देखा होगा आपने, मौसम बादल लग रहे हैं, तो हो सकता है आज भी फिर से आंधी तूफान आए। अगर आंधी तूफान नहीं भी आएंगे तो बारिश हो सकती है आज। और गर्मी और दिन के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक कम है, वरना अभी तक तो हालत ख़राब हो जाती थी। मौसम अभी बेटर है। इस बार बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि हर साल जब से मैं आई थी, मेरी शादी को 3 साल कम्प्लीट हो गए हैं इस अप्रैल में, और जब से मैं आई थी मैंने लीची का हमेशा पूरा भरा हुआ पेड़ देखा। पत्ते कम होते थे, फल बहुत ज़्यादा होते थे, बट इस बार लीची के पेड़ की हालत ऐसी है, देख सकते हैं कहीं पर भी एक फल नहीं दिखेगा आपको, वरना पिछले साल तक पूरे पेड़ में फल ही फल होते थे। वैसा ही और पेड़ों का भी हाल है, कुछ नहीं है इस बार। आती थी तो पूरे गुच्छे आते थे, पत्ते कम दिखते थे, और इस बार लीची सिंगल सिंगल एक एक आई है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक पेड़ में आई है लीची सिर्फ, वो भी थोड़ी सी, अब बिल्कुल बेकार है। अभी लाल होने का सीज़न नहीं है, अभी कच्ची है, वो बाहर से धूप की उससे लाल हो गई है, मतलब वो भी जल्दी ख़राब हो जाएगी, वो भी बचने वाली नहीं है, बहुत लेट पकती है। अभी कच्ची है बिल्कुल ही, और ये है इसमें थोड़े थोड़े फल आए हैं बिल्कुल, वरना पिछले साल तक तो पूरे फलों से पेड़ पेड़ भरा रहता था, दिखता ही नहीं था। इस बार ये हाल है लीची के, एक एक दो दो। अभी जो है मैं फ़िलहाल एक कट्टा लेके जा रही हूँ आम को पटोलने के लिए, आम को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी आई थी तो कल कच्चे आम बहुत गिरे हैं खेतों में, तो उसको क्या करते हैं इकट्ठा करके कल काट के उसको सुखा देंगे आम को। वो क्या होता है, जैसे भट्टे की चड़कानी होती है या कोई भी सब्ज़ी वगैरह होती है उसमें खट्टापन लाने के लिए, उसके पानी को आम का जो सूखा हुआ होता है, या डायरेक्ट उसको, या फिर आम उसको भिगो देते हैं, आम का सूखा हुआ जो मैं बनाऊँगी, आम खट्टा कहते हैं उसे, और उसका पानी जो है हम लोग गोलगप्पे के पानी बनाने में और सब्ज़ी वगैरह में खट्टा ही डालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऑफ सीज़न में काम लगेगा तो इकट्ठा करते हैं। ये आम का पेड़ है, इसके नीचे आपको बहुत सारे आम गिरे हुए दिख रहे होंगे, यहाँ से इकट्ठे करते हैं, आम शुरू करते हैं।
किया मुझे फिर परेशान। और तब शुरू डिमांड की थी मम्मा कि मेरे लिए पकौड़ी बना आलू की, इसको आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी तक्षु के लिए आलू की पकौड़ी बना के लाई हूँ। और तक्षु बड़ी शांति से बैठा हुआ है। तक्षु क्या करने वाले हो आप? आलू की पकौड़ी खाने वाले हो? ये बोल दो फिर, वह खा के दिखा दो, यहाँ खा के दिखा दो, कैमरे में खा के दिखाओ, कैमरे में यहाँ देखो, अच्छा यहाँ पे देखो फोन में, कैची होती है। अच्छा हंस दो, जोर जोर से हंस दो। फाइनली गाइस तक सो चुका है, एक नंबर का तूफान है ये लड़का। सोता है तो मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और मैं अभी बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि जब तक ये जगा रहता है इतनी शैतानी करता है, इसके पीछे भागते रहो और पैर थक जाते हैं। तो अभी ये सो गया है तो मैं भी आराम से रेस्ट कर रही हूँ। और थोड़ी देर में, अभी आधा घंटा बचा है, 10:30 तो हो गए हैं, 11 बजे तक हस्बैंड भी पहुँच जाते हैं। और अच्छी बात ये है कि कोई तूफान नहीं आया, कोई बारिश नहीं हुई, तो मौसम भी सही है, तो हस्बैंड भी आराम से आ जाएंगे। क्योंकि कल तो इतना बेकार मौसम था, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बट आज बेटर है। तो अभी आधे घंटे में पहुँचते हैं, तब तक जो खाना वगैरह है मैं जो बना के रखती हूँ उसको दोबारा से गर्म कर लूँगी अभी 10-15 मिनट में। तब तक जो अभी बचा हुआ टाइम है इसमें मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ। गाइस सब जो सो चुके हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।